Welcome back to my channel, Homolicious Delicious Cooking. आज की रेसिपी है डोनट्स, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दबाए बेल आइकन, जिससे आपको मिलेगी मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस। डोनट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप पीसी हुई चीनी, आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, 1 टेबलस्पून बटर, 1 और आधा टीस्पून वेनिला एसेंस, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा। इसके अलावा हम लेंगे 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट और 1 कप गुनगुना दूध। डोनट्स पे स्प्रिंकल करने के लिए लेंगे हम ग्रेटेड व्हाइट चॉकलेट और चॉको चिप, आप अपनी पसंद के कोई भी स्प्रिंकल्स ले सकते हैं। डोनट को ग्लेज करने के लिए लेंगे हम मेल्टेड डार्क चॉकलेट। सबसे पहले करेंगे हम ईस्ट को एक्टिवेट, इसके लिए लेंगे हम 1 कप गुनगुना दूध और उसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, साथ ही डालेंगे ड्राई ईस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ड्राई ईस्ट को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे ड्राई ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। ड्राई ईस्ट एक्टिवेट होने तक हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेंगे। एक बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा, पिसी हुई चीनी, मिल्क पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इन सबको आपस में मिला लेंगे। अब इस मिक्सचर में ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून वेनिला एसेंस, साथ ही ऐड करेंगे बटर। यहाँ मैंने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है, अगर आप प्लेन बटर लेते हैं तो आप इस मिक्सचर में 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। ईस्ट हो चुकी है एक्टिवेट, हम ईस्ट के मिक्सचर को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को ड्राई करने के लिए और मैदा ऐड करते हुए हमें एक सॉफ्ट और मॉइस्ट डो तैयार कर लेना है, जिससे कि डोनट सॉफ्ट बनेंगे। इस डो को जितना गूथेंगे डोनट उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे, इसीलिए हम इसे अपने हाथों की मदद से अच्छे से गूथ लेंगे। जब डो तैयार हो जाए तो इसे ग्रीस करेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल के साथ। इस डो को ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि डो में एयर फॉर्म हो जाए। 1 घंटे बाद आप देखेंगे डो का साइज डबल हो चुका है। डो को एक बार और गूंथ लेंगे, जिससे इसके अंदर फॉर्म हुई एयर रिलीज हो जाए। ये अब बनाते हैं डोनट्स। इसके लिए काउंटर टॉप पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, आप सूखे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डो को 5 से 6 मिनट के लिए और एक बार गूंथ लेंगे, जिससे कि ये ड्राई हो जाए। लेकिन इसे बहुत ड्राई नहीं करना है, नहीं तो डोनट्स सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब इस डो को हाथों की मदद से फ्लैट करके 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा बेल लेंगे। डो को अच्छी तरह से बेलने के बाद एक ग्लास की मदद से राउंड शेप में कट कर लेंगे। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उसका इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप किसी भी राउंड बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनट्स के सेंटर को निकालने के लिए मैंने बॉटल कैप का इस्तेमाल किया है। अब इन डोनट्स को निकाल लेंगे एक प्लेट पे। अब इन डोनट्स को 10 मिनट के लिए और रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इसका साइज डबल हो जाए। 10 मिनट बाद आप देखेंगे डोनट्स का साइज डबल हो चुका है।
आइए करते हैं डोनट्स को फ्राई। इसके लिए लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे डोनट्स और इसे लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। डोनट्स को लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। जब डोनट एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे फ्लिप कर लें और इसे फ्लिप करते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। डोनट हो चुके हैं अच्छी तरह से फ्राई। इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे डोनट का एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर ले। आइए इन डोनट्स को अब डेकोरेट कर लेते हैं। डोनट के एक साइड को मेल्टेड चॉकलेट में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। इसी तरह से सारे डोनट्स को मेल्टेड चॉकलेट में डिप कर लेंगे। अब इन डोनट्स को आप अपने मनपसंद स्प्रिंकल से सजा सकते हैं। यहाँ मैंने व्हाइट चॉकलेट और चॉको चिप का इस्तेमाल किया है। डोनट बनकर तैयार है। इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कॉमेंट करें अपने ब्यूटीफुल सजेशंस।